फ्रेंड्स, जियो एक्स सीरीज ने फिर से अपना न्यू एपीएन सेटिंग लॉन्च कर दिया है, जो कि भाई बहुत ऑसम है। और बैक टू बैक टू मंथ्स इन लोगों ने अपना एपीएन सेटिंग, न्यू एपीएन सेटिंग लॉन्च किया है बहुत टाइम के बाद। तो वीडियो जो है बहुत कमाल का होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग एपीएन सेटिंग है। तो फ्रेंड्स, अभी से इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा इस एपीएन के यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम कितना स्पीड मिला है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेक्नोमाइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एपीएन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आप सेटिंग ऑप्शन में जाइए, उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, उसके बाद आपका जो जियो सिम है उसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको तीन नंबर पे एक्सेस पॉइंट नेम्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर एपीएन भी आप इसे बोल सकते हो। उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड बटन दिखेगा या फिर प्लस आइकॉन भी दिख सकता है, उस पर आप टैप कर दीजिए तो आपके सामने वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें आपको फिलअप करना पड़ेगा तभी आपका एपीएन जो है क्रिएट हो पाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चीज़ फिलअप करना है वो है नेम। आप नेम पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको लिखना होगा जियो स्पेस एक्स स्पेस प्रो 60 और यहाँ पे जे एक्स एंड पी जो है आपको कैपिटल में रखना है। उसके बाद आता है एपीएन। एपीएन पे आपको यहाँ पे जियो नेट एक साथ लिख देना है। उसके बाद आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को आप 9 से रहने दीजिए। उसके बाद आता है पोर्ट। पोर्ट को भी आप 9 से रहने दें। उसके बाद जो आता है वो है यूज़र नेम। यूज़र नेम पे आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर में जियो एक्स प्रो लिखना है। ओके, इसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड को आप 9 से रहने दीजिए। उसके बाद आता है सर्वर। सर्वर पे आपको यहाँ पे www.jio.com एक साथ लिख देना है। उसके बाद आता है MMSC, उसे आप 9 से रहने दीजिए। उसके बाद आता है MS Proxy 9 सेट। उसके बाद आता है MS Port 9 सेट। उसके बाद आता है MCC एंड MNC। ये आपका एरिया कोड है, इसे आप बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए। अगर आप इसे चेंज कर देंगे तो भाई आपका इंटरनेट स्पीड आपको बहुत घटिया मिलने लग जाएगा। इसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर आप टैप कीजिए और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है PAP और CHAP करके, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आता है APN टाइप। APN टाइप को भी आप 9 सेट डिफॉल्ट या फिर जो भी आपके फोन पर अभी से सेट है उसी को आप सेट रहने दीजिए। इसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल। APN प्रोटोकॉल आपके फोन में IPv4 या फिर 6 हो सकता है, इसे आप चेंज करके IPv4/IPv6 मतलब ये जो तीन नंबर वाला है उस पे आप टैप कर दीजिए। इसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। ये भी आपके फोन में IPv4 या फिर 6 हो सकता है, इसे भी आप चेंज करके IPv4/IPv6 कर दीजिए। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग BRR। BRR देखिए, सबसे पहले अनस्पेसिफाइड रहता है, उसे आप अनटिक कीजिए और यहाँ पे LTE। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा EHRPD, उस पर आप टिक कीजिए। उसके बाद EVDO0, उस पर भी आप टिक कीजिए एंड लास्ट में 1S95A। इन सभी BRR पे टिक करके आपको ओके दबा देना है। अगर आपके फोन में एक से ज्यादा BRR सपोर्ट नहीं करता है, मतलब एक से ज्यादा BRR सिलेक्ट करने पर आपका ओके का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है, तो आप सिंपली LTE को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि LTE एक ऐसा BRR है जो कि आपको आजकल के हर एक फ़ोन में सपोर्टेड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है MVNO टाइप। MVNO टाइप को भी आप नॉन डिफॉल्ट या फिर जो भी है उसी को आप सेट रहने दीजिए। इसके बाद सिंपली आप मोर ऑप्शन पे जाइए और इस APN को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दो दो APN दिख जाएगा, एक तो हो गया जियो का डिफॉल्ट वाला एंड सेकेंड जो है वो है जियो XP60। उस पर आप एक बार टच कीजिए या फिर क्लिक कीजिए तो आपका APN जो है सेट हो चुका है। और फ्रेंड्स, इस APN को मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मैं एक वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत करके, आप फुल वीडियो देखते नहीं हो, सिर्फ APN देख के भाई आप बंद कर देते हो, तो फायदा ही क्या है स्पीड टेस्ट करा के दिखाने का। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है या फिर मैंने यहाँ पे पोल भी डाल दिया है, आप मुझे बताओ कि इसके बाद जो भी APN वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ या फिर नहीं दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा इस APN को यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम कितना स्पीड मिला है। और अगर आपने अभी तक टेक्नोमाइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।